गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं डिटरमिनेंट के अंदर, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये सब 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करना आप लोगों को, ठीक है? और जहाँ मेन पॉइंट होगा वहाँ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ये बच्चों एक्सरसाइज 4.6 मैं आपको बता दूँ, एक्सरसाइज 4.6 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 था इस जैसा, ठीक है? तब मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसी कंडीशन बेस्ड। तो वो क्वेश्चन बच्चों ये है, वहां पे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, आप लोगों से बोला जा रहा है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो, और ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं भाई। आपको ए दे रखा है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट रो के लोग सॉल्व कर दू, 2 लिखा बच्चों -4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों +4, फिर क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, -6 + 4, लास्ट में 5 आएगा भाई, और क्या आएगा 3 - 2। सॉल्व कर लो बच्चों, ये आएगा 0 -2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों -6, 3 - 2 1, दैट इज 5, एंड ये आ गया बच्चों -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बच्चों वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आ गई बच्चों कितनी, -1। ओके नाउ अब क्या करना है आप लोगों को, अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना होता है बच्चों कोफैक्टर्स, ठीक है? आप लोगों को ये पहले से ही दे रखी है ए मैट्रिक्स बच्चों, ये है, ठीक है? कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं बच्चों, यहाँ लिखा मैंने a11, यहाँ मैंने a12, यहाँ लिखा बच्चों a13। नाउ a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33, ठीक है भाई? ये हम लोगों ने सारे के सारे कोफैक्टर्स लिख लिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से कोफैक्टर निकाले जाते हैं, तो इस पे हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए फटाफट लिख देते हैं भाई कोफैक्टर्स आपके पास क्या क्या आ रहे हैं। कोफैक्टर आ रहे हैं बच्चों 0, 2, 1, ठीक है? 0, 2, 1, और क्या आ रहा है भाई एक बार चेक कर लेंगे इसको, सारे के सारे हमारे क्या हैं। अच्छा यहाँ लिखते हैं ये a11, a12, a13 बच्चों कितना है 1, 0, 2, 1 आ गया भाई। इसके बाद क्या आ रहा है भाई -1, -5, -5, ठीक है? और तीसरे वाले आ रहे हैं बच्चों 2, 23 और 30। ये बच्चों ये को फैक्टर सारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है? मैंने आपको तरीका समझाई रखा था, आप लोग निकाल ही सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने आपको बता रखा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन में चेंज करो बच्चों, तो ये आएगा 0, 2, 1, ये कितना आएगा बच्चों -1, -9, -5, तीसरा कितना आएगा बच्चों 2, 23, और बच्चों आ जाएगा 13, ठीक है? ये एडजॉइंट आ गया बच्चों। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए भाई यहाँ पर आप देखोगे तो इनवर्स के लिए हमारा क्या होता है भाई, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या भाई आपके पास 0, 2, 1, -1, -9, -5 एंड 2, 23 एंड 13। याद रखिएगा एक भी गलती अगर यहाँ हो गई तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है 0 हो जाएगा। ये बच्चों मेरे पास इनवर्स आया, ठीक है? एक काम करें इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनवर्स क्या होगा आपको पता, मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में किसी भी नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट से होता है। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चों -2, ये हो जाएगा बच्चों -1, यहाँ हो जाएगा +1, ये 9, ये 5, ये -2, ये -23 और ये बच्चों -13, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर ये आपका क्या निकल के आया भाई, यहाँ पर ये बच्चों आपका ए इनवर्स निकल के आ रहा है, ठीक है? चेक कर लें एक बार, बिल्कुल सही है, यही हमारा क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ए इनवर्स निकल के आ रहा है, ठीक है? अब देखो भाई आप लोगों को ये मैट्रिक्स पहले से गिवन थी, ठीक है? और आपको इसका यूज करके, इसका इनवर्स फाइंड आउट करके आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या करना था बच्चों, सॉल्व करना था, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो कॉपी पे फटाफट,
चलिए अब देखो भाई यहां पर तो इसकी हेल्प से बच्चों मैंने ए इनवर्स यहां पे क्या किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, ए इनवर्स की वैल्यू को यहां लिख दिया हूं मैं, है ना। मेरे पास क्या निकल के आया है, ए इनवर्स वो निकल के आया बच्चों 0 माइनस 2 माइनस 1 1 9 5 और माइनस 2 माइनस 23 एंड माइनस 30, ठीक है। अब बच्चे ये देखिए ना, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम लोग इक्वेशन को ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहां पे मैंने लिखा द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज कौन सी फॉर्म होती है भाई, हमारे पास कोफिशिएंट लेते हैं 2 माइनस 3 5, यहां पे बच्चों 3 2 माइनस 4, तीसरे वाले में है 1 1 माइनस 2 और इनटू होता है वेरिएबल दैट इज एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, दैट इज 11 माइनस का 5 एंड माइनस का 3, ठीक है। ये फॉर्म होती है बच्चों हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाली फॉर्म होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो जरा, ये ऐसा होता था बच्चों, यहाँ आपको जो ए दे रखा है वो ये है क्या, देखो 2 3 1 यहाँ हॉरिजॉन्टली है, यहाँ वर्टिकली दे रखा है, माइनस थ्री टू वन 4 5 4 -4 -2 5 -4 -2, तो कुल मिला के अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये बच्चों इसका ट्रांसपोज दे रखी है, जो इसके अंदर रो है वो यहाँ पर कॉलम में कन्वर्टेड है। तो क्वेश्चन में आप लोगों के एनसीईआरटी में यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए होती थी वही मैट्रिक्स बच्चों यहाँ भी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके साथ क्या खेल खेला गया है, यहाँ पर तो आपको ए मैट्रिक्स दे दी गई, लेकिन यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स नहीं है, ये है बच्चों उसका ट्रांसपोज। ये क्या दिया गया आप लोगों को, ट्रांसपोज दिया गया है आप लोगों को, ये मैट्रिक्स दी आप लोगों से, इनवर्स फाइंड आउट करवाया, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व करने गए तो वहां आपने देखा कि भाई ये वाली मैट्रिक्स सही नहीं था, आपका इसको ट्रांसपोज दे रखा है आपको, फिर आप लोगों से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछा जा रहा है, समझ गए। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप लोग जानते हो कि यहाँ पे हमें एक्स चाहिए होता अकेला, और इसको अकेला करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, और कोई भी मैट्रिक्स को हटाया कब जा सकता है, जब उसके इनवर्स से हम लोग उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अगला स्टेप क्या होगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए बच्चों ट्रांसपोज है यहां पर, तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। तो अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, मैं अगला स्टेप ध्यान कर देता हूं, ठीक है भाई। अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये इस तरीके से है, ए ट्रांसपोज एक्स बराबर बी, मैंने यहां पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, ये दोनों तो आपके क्या बना लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, ये हो गया बच्चों एक्स। अब देखो तो यहां पे आपके पास ए इनवर्स आ चुका है बच्चों, तो अब आप लोग यहां पर कैसे यूज करोगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कहा लिख दूंगे कि ए ट्रांसपोज का जो बच्चों इनवर्स होता है, साइड से लिख लेना, ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के, किसके बराबर होता है, ए इनवर्स ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप लोग क्या करोगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स की जगह आप क्या लिख दोगे भाई, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी, और ए इनवर्स आप लोग फाइंड कर चुके हो, बस यहां पे रखना इसका ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई करा दो बी से, हमारा क्या निकल आएगा बच्चों आंसर। मेन चीज जो पकड़ने वाली थी वो ये थी, आपको ए मैट्रिक्स यहां दी गई, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं तो वहां ए ना देते हुए आपको क्या दे दिया जाता है, ए ट्रांसपोज दे दिया जाता है, तो उसके साथ आप डील कैसे करोगे, कल को ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करना आप लोगों को। तो मेन पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे एक्स को सिंगल करना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने जो इनवर्स निकाला उसका यूज कैसे करें, तो इसको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है।
तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी लिख दिया भाई यहाँ पर, ठीक है भाई। अब क्या करना है भाई यहाँ पर, अब कुछ नहीं, बस मेन जो पार्ट था बच्चों जो इसके अंदर मेन चीज थी वो यही थी आप लोगों की, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट इसका पार्ट होना है वो क्या होना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में सिंपल क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, समझ रहे हो, पेपर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था, ये वाला पूछा था। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, x बराबर a इनवर्स बच्चों ये था 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13 और इसका क्या हो गया बच्चों ट्रांसपोज इनटू b की बच्चों वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, लेट मी चेक, b की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको 11 -5 -3, ठीक है। आपको पता है भाई ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और यहां पर आ जाएगा 11 -5 -3, ठीक है। बोलिए कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है, ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों ने अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट यही प्रॉपर्टी आप लोगों से क्या करवाई जा रही है, प्रूव करवाई जा रही है। एंड आई एम वेरी वेरी मच डैम श्योर कि आप में से किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप में से किसी ने भी सॉल्व नहीं किया होगा, आई एम वेरी मच श्योर। और बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते भी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी टाइप का जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसके लिए भी मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और वो आपको प्रोवाइड करूंगा, फिर आप लोग बताइए डाउट हो तो। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 11 बच्चों 0 हो गया, -2 × -5 बच्चों प्लस का 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। दूसरे वाले में 1 × 11 बच्चों 11 हो गया, 9 × 5 बच्चों 45 हो गया, 5 × 3 बच्चों 15 हो गया, -2 -22 ये कितना हो जाएगा भाई 115 और 1 10 1 11 115 ये हो जाएगा 115, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों 39। तो भाई आखिरी स्टेप में आप वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को इस तरीके से डन करोगे, यहाँ आप देखोगे भाई 13 हो चुका होगा 15, और यहाँ देखोगे कितना हो जाएगा -4 -49 हो चुका होगा, ये कितना आ रहा है भाई 39 में से 22 जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 17 इसमें ऐड करोगे 132। यहाँ से बच्चों जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है x बराबर 13, y बराबर बच्चों आ रहा है माइनस का 49, z बराबर आ रहा है बच्चों 132, एंड दिस इज द बच्चों आंसर, ये इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। कैसा लगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो कल को आप भेज सकते हो, अगर ये हमारे एनसीईआरटी पर अगर आप बेस्ड होकर चल रहे हो तो कल को ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम लोग। इस लेक्चर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे आए, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मिस करे, इसलिए लास्ट लाइव क्लास के अंदर हमारे कुछ बच्चे चले गए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नेट का इशू था, इस वजह से क्या है वीडियो बहुत अच्छा रहता है ना आपको बताऊँ। क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों, क्वेश्चन बोला गया भाई यूज प्रोडक्ट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा था वो ऐसा कराया था, पूरी मैंने सारी चीज समझाई थी उसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ मैट्रिक दे रखी है भाई 1 2 0, ठीक है, और क्या दिया गया -1 3 1, और क्या दिया गया भाई 0 4 2, और एक दूसरी मैट्रिक दे रखी है आप लोगों को 2 -4 -2
टू माइनस फोर माइनस टू और यहाँ दिया सॉरी प्लस टू है, एक आधी वैल्यू गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा खराब, टू टू माइनस वन और माइनस फोर माइनस फोर एंड फाइव। ठीक है, इनके प्रोडक्ट को यूज करते हुए टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और इक्वेशन क्या देखिए बच्चों, x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू सत्रह एंड y प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू y प्लस थ्री जेड नहीं बच्चों टू जेड है, y प्लस टू जेड इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलती हो जाती है कई बार। अब आप लोगों को ये बोला गया भाई इस इक्वेशन को लेके भाई इनका प्रोडक्ट को यूज करके आप लोगों को ये इक्वेशन क्या करनी है सॉल्व करनी है। एक और क्वेश्चन और करना, कुछ काम आ जाते हैं क्या करा जाए, ऑनलाइन का ये भी एक फायदा है ड्रॉबैक है मान लो कुछ भी। तो भाई ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसको बोलेंगे एक काम करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन आपको नोट कर लिया सब कुछ, अब इनके प्रोडक्ट को यूज करके, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा दे रखा होता है तो वहां पे आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है इक्वेशन से, आप लोग सीधे इनके मल्टीप्लाई करके ही इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जरा इसको सॉल्व करता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था कि भाई जब भी ऐसा प्रोडक्ट दे रखा हो तो आप लोगों को सिर्फ पहला वाला एलिमेंट सॉल्व करना है बच्चों। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहली रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, तो वन इंटू टू बच्चों कितना हो जाएगा टू, माइनस वन इंटू फोर बच्चों कितना हो जाएगा फोर एंड जीरो इंटू टू बच्चों कितना हो जाएगा दैट इज जीरो, तो चार प्लस दो बच्चों कितना आ रहा है छः आ रहा है। तो यानी कुल मिला के मैंने आपको बताया था जो पहला एलिमेंट आता है डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या आते हैं बच्चों सेम, इन क्वेश्चनों का फायदा ये है बाकी सब जगह पे क्या आएगा बच्चों जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये हो गया भाई, बोलो हाँ ना, हो गया। अब यहां पर देखा जाए तो इस वाली मैट्रिक्स में आप सिक्स कॉमन निकाल लोगे भाई तो अंदर क्या बचेगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन और यहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है वन टू जीरो माइनस वन थ्री वन जीरो फोर टू और ये है बच्चों टू माइनस फोर टू 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 माइनस वन माइनस फोर एंड फाइव। ठीक है, अब आप लोगों के भाई पास में इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन को जरा मैं साइड से लेके चल रहा हूँ जिस पैरेलली जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बच्चों जो थी मेरे पास वो थी x माइनस वाई माइनस थ्री पहली इक्वेशन, तो इसमें याद रखना इसमें बच्चों z नहीं है, इस 3 को जब लेके आओ पहले नंबर पे तो x प्लस वाई z तो था नहीं बच्चों तो 0z बराबर क्या हो गया 3। दूसरी इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y प्लस का 4z और तीसरी इक्वेशन थी बच्चों दैट इज y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, ये था 17, इसमें बच्चों x नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो x। अब अगर इसको बच्चों मैं इसको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, आपको समझ में अभी इससे लिखने के बाद ही आप लोग यहाँ पता कर सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स ए है कौन सी बी है। तो अगर मैं इस सिस्टम को लिखना चाहूँगा तो आपको पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यहाँ आएगा वन टू जीरो माइनस वन थ्री वन
यहाँ आएगा 0, 4, 2 और यहाँ पे अगली मैट्रिक्स कौन सी होती है एक्स वाई जी और यहाँ होता है बच्चों 3, 17 और 7 ये होता है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों ए, इसको बोल देते थे एक्स और इसको मान लो कोई भी मैट्रिक्स बोल देते हैं, इसको सी बोल देते बच्चों, ठीक है। तो आपको देखिए भाई ये मैट्रिक्स आपकी ए वाली है जिसमें 1-1 ये वाली, इन दोनों कौन सी मैट्रिक्स है वही वो, इन दोनों आपको समझ आ गया भाई ये वाली आपकी ए मैट्रिक्स है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों ये वाली होगी, ये वाली भी हो सकती है आपको, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जो यहाँ पर दिख रहा हो वो आपकी ए मैट्रिक्स हो गई। तो भाई ये होगी भाई मेरे पास ए मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी बच्चों बी बराबर क्या आ गया 6 है। मुझे यहाँ पे इनके मल्टीप्लीकेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे भाई यहाँ पे ए इनवर्स निकालना था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया पी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन आता तरीके से करना है, तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 6 a inverse into i, ये दोनों क्या बनाएंगे बच्चों आप लोगों का आई इंटू बी बराबर 6। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, आई इंटू बी बच्चों क्या आएगा बी बराबर क्या हो गया 6 a inverse, 6 को बच्चों नीचे ले आओ। तो यहां से अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहां से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 ऑफ बी। तो आप जब सिस्टम को इसको सॉल्व करते थे बच्चों यहां पर तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती थी ए इनवर्स इंटू सी। अब यहां पे करना ये है इस ए इनवर्स की जगह आप सीधे सीधे क्या रखोगे भाई 1/6 ऑफ बी इंटू सी। तो यहां पे आप लोगों को कोई कोफैक्टर नहीं निकालने, आपको इनके मल्टीप्लीकेशन को यूज करके क्या निकालना था आप लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो जो ए इनवर्स होगा वो बच्चों क्या होगा बी मैट्रिक्स का 1/6 यही होगा। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अब मैं यहां हटा देता हूं पूरा, ठीक है। आपको नोट कैसे करना है, पहले पूरा स्टेप ये होगा उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी फाइल उठा रहा हूं, ठीक है। मैं यहीं पे लिख लेता हूं बच्चों एक्स जो मेरी मैट्रिक्स थी बच्चों वो था 1/6 ऑफ बी, ये तो था भाई 1/6 ऑफ बी इंटू सी। तो बच्चों ये पहले से लिखी हुई थी, ऑनलाइन का फायदा है ये 1/6 ऑफ बी और सी मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास क्या थी 0, 17 और 7 ये था भाई सी मैट्रिक्स, सॉरी 0 नहीं था बच्चों ये 3 को हम लोग इधर लेके आए थे। इस वाले में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे इस 3 को इधर ही रहने देते हैं, उस वजह से उनका आंसर क्या आता है गलत। आप इस 3 को इधर लेके आओगे यहाँ जेड का वेरिएबल नहीं है तो उसका 0 z लगाओगे, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जब भी जो भी कोफिशियंट वहाँ पे नहीं होता है जो भी वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशियंट ला के चलो वहाँ पर, ठीक है। तो ये आए बच्चों 3, 17 और 7, ठीक है। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करना है, आपका क्या निकल आएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है तो भाई इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो x बराबर 1/6 पहली वाली रो पहला वाला कॉलम 2 × 3 बच्चों 6 हो गया, ये कितना हो गया 34 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों 28 हो गया। दूसरी वाली रो इंटू कॉलम −4 × 3 − 12 17 × 34 7 = 28 2 × 3 = 6 − 17 और ये हो जाएगा बच्चों 35। तो भाई 1/6 34 में से 28 गया बच्चों 6 + 6 कितना हो गया 12 34 + 28 = 6 − 6 यहाँ देख लो 34 35 − 17 = 18 18 + 6 = 24 मैट्रिक्स है पूरे में 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे भाई यहाँ कितना आ जाएगा 2 ये −1 ये 4 तो यहाँ से आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा बच्चों x = 2 y = −1 z = 4 और आपका जो रिजल्ट आ रहा है कल को आप इक्वेशन के अंदर पुट करके उसको वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपकी वैल्यू निकली है वो सही निकली कि गलत निकली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस और नो, ठीक है भाई।
इतनी बात क्लियर है बच्चों सभी को? यस और नो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मैंने आपको शीट प्रोवाइड करी थी असाइनमेंट की, आप लोगों ने क्वेश्चन किए कि नहीं किए उसके बताइए जरा, ठीक है भाई। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? छह नंबर पूछे जाते हैं ये। लो भाई अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, और आप लोग समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल चुन चुन के बनाया बच्चों एक एक क्वेश्चन, समझ रहे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या टेंशन ना हो, ठीक है। वैसे ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सोचा हूँ कि आपको समझा दूँ, ठीक है। पिछले वाले को मैंने करा दिया आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ सब यहाँ थोड़ा सा इनडायरेक्ट है बच्चों की क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से बोला गया है फाइंड बी ए, क्वेश्चन दे रहा है क्या बोला गया है, फाइंड बी ए एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये दिया गया है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंदर ही कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जब बी ए का मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो बी इंटू ए, तो भाई बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी बच्चों, 1 2 0 -1 3 1 एंड 0 4 2, ठीक है। ये क्या था बच्चों, 2 -4 2 2 -1 -4 -4 एंड 5, ठीक है। अभी मैंने आपको करके दिखाया था भाई, आप इसका मल्टीप्लाई जब करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो फर्स्ट 1 2 आएगा प्लस 4 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने में बच्चों कितना आ रहा था, 600 060 एंड 006 यही आ रहा था। तो आप लोगों ने बाद में क्या किया था भाई यहाँ पर, कि ये b इंटू ए बराबर क्या आ रहा था, 6 into i आ रहा था, यही आ रहा था, यही था बच्चों। जैसा मैं पहली वाली मैट्रिक्स वाली यहाँ पर क्या है बच्चों, बी, दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है, 6i, ठीक। अब मैं साइज से कर रहा हूँ जरा आप लोगों को, ठीक है, जिससे मतलब मैं कंडीशन समझा दूँ, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हल्का सा है बस चेंज, ठीक है। अभी आप बीच में से ले रहा हूँ, आपको नोट कैसे करना है ये पूरा नोट करोगे, इसके बाद यहाँ पर आओगे, लेकिन मैं इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ बच्चों। इक्वेशन क्या दे रखी थी यहाँ पर, इक्वेशन दे रखी थी बच्चों वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन दे रखी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और तीसरी इक्वेशन दे रखी थी बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17, ठीक है। ये आपको बच्चों इक्वेशन दे रखी है, तो बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन बच्चों पिछला वाला ही है। अब यहाँ पर अगर देखोगे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे इसको, लिखते थे भाई मैट्रिक्स फॉर्म में, यस और नो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं इसको लिखूँ तो पहले वाले में एक्स का है बच्चों, तो 0x है, इसमें बच्चों वाई जेड नहीं है। अच्छा आप लोग समझ ही आओगे ना, जो वहाँ पर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, तो भाई 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1 -1 0, तीसरे वाले कितना हो जाएगा 2 3 4, यहाँ होता था वेरिएबल एक्स वाई जी, और यहाँ होता था बच्चों 7 3 और 17, ठीक है भाई, यही था। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, अरे बोल दो। अब भाई यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग बोलोगे भाई ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स होती थी, अब जब मैच कराने गए तो आपने बोला अरे मैच ही नहीं कर रही, तो फिर आपने बोला थोड़ा ध्यान से और देखा होगा तो आपने बोला यार ये 1 -1 0, यहाँ ये पहली रो में, यहाँ ये दूसरी रो में, 2 3 4 तीसरी रो में, यहाँ पे दूसरी रो में, 0 1 2 यहाँ पे थर्ड रो में, यहाँ फर्स्ट रो में, तो इनकी पोजीशन ऊपर नीचे है भाई, अब कैसे काम किया जाए, समझ रहे हो? आपको ये मैट्रिक्स दे दी थी, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको इनका प्रोडक्ट को यूज करते हुए इनवर्स फाइंड करना था, और इक्वेशन बच्चों ऐसी दी गई थी हम लोगों को, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, इनकी पोजीशन तो ऊपर नीचे है, तो हम एक काम करें, ऐसा नहीं बुक में लिखा है कहीं पर कि आप इक्वेशन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब करना ये है कि हमें ये वाली मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली तो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है आपकी, बी, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों आपकी, बी मैट्रिक्स है। तो आप इनकी पोजीशन ऊपर नीचे कर दो बस इक्वेशन की, ताकि इस जैसी वो मैट्रिक्स बन जाए। तो पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर लोग, तो हम लोग भाई इक्वेशंस को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा पहले से। तो इक्वेशन को बच्चों मैंने यहां लिख दिया x माइनस वाई, पहली वाली इक्वेशन थी जो कि 3 के इक्वल थी, दूसरी इक्वेशन थी भाई 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 17, और तीसरी इक्वेशन थी बच्चों y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ये था, मैंने इसको इसी अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जिससे मुझे ये वाली मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। चेक कर लूँ ये वाली मैट्रिक्स रखिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 17 और ये 7, ठीक है। ये हो गया बच्चों, यहाँ पे z नहीं था तो ये कितना हो जाएगा 0z, यहाँ पे x नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 0x। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे बच्चों, लिख देंगे। तो अब आप लिखोगे भाई मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे इसको, तो बस यहाँ पर आपको थोड़ी सा ये ऑर्डर चेंज करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो जब मैं ऑर्डर चेंज करूँगा तो यहाँ देखूंगा भाई यहाँ पे 1 माइनस 1 0 एंड 2 3 4 एंड 0 1 2 ये ले रखा है। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, आप लोगों को ये जो मैट्रिक्स दी गई है बच्चों, ये मैट्रिक्स दी गई है इस बार आपको बी, कौन सी मैट्रिक्स दी गई बच्चों, ये आपको बी मैट्रिक्स दी गई है। बच्चे दिमाग में ये काम होता है भाई यहाँ पे हमेशा ए होगा ए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस बार ये क्या हो गई है बच्चों, बी, ये क्या है एक्स, इसको बोलता था सी, तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, बी इनवर्स इंटू सी। अब आपको यहाँ से, अभी तक हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते, इस बार हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी इनवर्स की। तो बी इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड। तो भाई बी इनवर्स का मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो नाम चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कंसेप्ट चेंज हो जाना है आपको, बस यहाँ पे जो मैट्रिक्स ये रखी थी इस बार उन्होंने चेंज करके इसको बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, जिससे आप लोग हमेशा क्या है ए ए यहाँ पे यूज करते हो, इस बार आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर ये बी है, समझ रहे हो, और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। तो ए बराबर क्या हो गया बच्चों 6b इनवर्स, यहाँ से आप लोग बी इनवर्स की बच्चों वैल्यू निकालोगे वो आएगी 1/6 ऑफ ए, बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इक्वेशंस का अरेंजमेंट चेंज किया गया जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। दूसरा कंफ्यूजन करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनती है उसको नाम बी दिया गया, और बच्चा लगातार जितने भी क्वेश्चन करता है 15-16 जितने भी क्वेश्चन करेगा सब में ए होता है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे चला जाता है। तो भाई यहाँ पर अब आपके पास लास्ट स्टेप क्या होगा, तो आप जब इसको नोट करोगे, नोट कर लेना इसको, आप नोट करोगे तो पहले नंबर का स्टेप ये होगा, दूसरे नंबर का ये स्टेप होगा, ठीक है। इसको नोट कर ले बच्चों फटाफट, इसका तो फॉर्मेलिटी या कुछ भी नहीं है, बी इनवर्स कीजिएगा बच्चों कितना आ जाएगा 1/6 ऑफ ए इंटू सी। अब क्या होना है 1/6, ए की जगह बच्चों ये मैट्रिक्स 2 माइनस 4 2, 2 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 एंड 5। यहाँ पे सी वाली मैट्रिक्स बच्चों कितनी है 7 13 7 3 और 10 17, 7 3 और 17 नहीं होगी बच्चों। ये देखो एक और कंफ्यूजन होता है भाई, मैं आपको बता दूं बच्चा करता क्या है, पहले इसको लिख लिख के देख लेगा, ठीक है, उसके बाद इनका ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर जब मैंने चेंज किए तो ये वाली जो मैट्रिक्स है जो नंबर है ये भी तो चेंज हुए, मैंने यहाँ चेंज किए क्या नहीं किए ना, तो ये भी गलती होती है भाई इसमें, समझ रहे हो कितना चुनना पड़ता है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को, और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। तो ये कितना है 3 17 और ये क्या है भाई 7, ये नंबर चेंज नहीं करता बच्चा, असाइनमेंट ऐसे नहीं बनाए गए, पूरा रिसर्च करके बनाया मैंने, समझ रहे हो।
बारीकी से चुन चुन के, और ये वाला वीडियो आपका YouTube पे अपलोड नहीं होगा, ये ऐप पे जाएगा। बहुत सारे फ्री फंड में है, क्या घूम रहे हैं बच्चों? और फ्री का तो क्या जहर लेसन भी करता। तो 2 × 3 बच्चों 6 हो गया, 2 × 7 = 34 हो गया, 4 × 7 = 28। दूसरे वाले में -12 + 34 - 28, तीसरे में 6 - 17 और ये 35। वही जब सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 12, ये माइनस का 6 और ये हो जाएगा बच्चों 24। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट स्टेप में एक्स वाई जी कर दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 2 - 1 = 4। तो यहाँ से रिजल्ट जो निकल के आएगा x = 2, y = -1 और z = बच्चों क्या हो गया 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा लगा आप लोगों को? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर नाम चेंज था आपके, यहाँ पर इसको बी नाम, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये ए था ये बी था। तो आपकी जो इक्वेशन पहली बार तो अरेंज नहीं थी, तो उनको अरेंज करना था। दूसरा आपको ये लिखना कि भाई अब जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये कोफिशिएंट जो नंबर है ये भी क्या होंगे, इनका ऑर्डर भी चेंज होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको इनका ऑर्डर चेंज करना था, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। और जो मैट्रिक्स यहाँ बनती है वो थी बी, तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता वो बी इनवर्स निकल के आता, और इनके प्रोडक्ट से आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, बी इनवर्स की, जो कि आती 1/6 ऑफ बी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सारे सारे खत्म। तो जो मैं क्वेश्चन चाहता था आप लोगों को कराना, वो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो रहे हैं बच्चों, ओ ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन बनाना सिखा दिया था, ठीक है। और कहोगे तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, नहीं तो एक काम करूँगा मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, बाकी आप लोगों का सॉल्व करने का काम रहेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन एक बार देख तो लो कि कौन सा बचा भी तो है कुछ। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराई दिया आप लोगों को, एक आइडिया दे देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका असाइनमेंट का, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी थी बच्चों यहाँ पर 1 - 2 = 0, 2 - 1 - 1, 0 - 2 and 1, ठीक है। आप लोगों से बोला जाता भाई फाइंड करिए ए इनवर्स और सॉल्व करिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन क्या थी बच्चों मेरे पास, x - 2y = 10, एंड दूसरी इक्वेशन थी 2x - y - z = 8, और तीसरी इक्वेशन थी बच्चों -2y + z = 7, ठीक है। तो भाई आपके पास ए मैट्रिक्स बच्चों ये है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको लिखने जाऊं, सुनना मेरी बात को, ये क्वेश्चन था। मैं आप ओवरली कंसेप्ट बता दूं कि पूरी करा दूं आप लोगों को, बोल दो भाई। आप लोग यहां से अगर देखोगे भाई इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखने जाओगे तो ये होगा 1, ये होगा -2 और ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा 0, दूसरा क्या होगा 2 - 1 - 1, तीसरा कितना होगा 0 - 2 - 1। अब जो आपके पास यहाँ जो मैट्रिक्स बन रही है वो मैट्रिक्स यही है क्या, बताओ? 1 - 2 - 0 जो मैट्रिक्स यहाँ पर है वो पर्टिकुलर, ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये इस पर्टिकुलर, इसका क्या है ट्रांसपोज। यहाँ देखो जो रो में है वो किसमें दे रखा है, कॉलम में। यहाँ भी किसमें दे रखा है, ये रो रो में, इसमें कॉलम में, ये किसमें दे रखी है रो में, इसमें कॉलम में, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं करा चुका हूँ, ये नहीं करा था, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन कराया था उसी जैसा कंसेप्ट पे बेस्ड है। और ये क्या है बच्चों, एक्स वाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 8 और ये क्या हो जाएगा भाई 7। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, ये आपको क्या दे रखा है 8 ट्रांसपोज दिया गया है, ये एक्स है और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बी मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसका यूज करके सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे फाइंड आउट, सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये कराया था इसी जैसा, यस और नो, ट्रांसपोज कितना आएगा भाई
इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं भाई, वन यहाँ आ जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा भाई माइनस का टू, फिर माइनस का टू ये कितना हो जाएगा भाई माइनस टू और ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा माइनस तीन और ये कितना हो जाएगा प्लस का चार, दैट इज इक्वल टू वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर दूसरी बात आती है भाई यहाँ पर किसकी, को फैक्टर्स की, तो भाई लिख देते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, फिर ये ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो भाई ए वन वन कितना आएगा भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया माइनस वन इंटू वन माइनस वन और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस टू, माइनस वन माइनस टू माइनस टू कितना हो गया माइनस थ्री। दूसरे नंबर पे कितना आएगा इसको छुपा लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, तीसरे नंबर पे इसको छुपा लोगे कितना आ जाएगा भाई टू, दूसरे मार्कर से लिख दो जिससे आप लोगों को अलग से दिखाई दे, है ना, ये कितना था भाई माइनस थ्री, ये कितना आया था भाई माइनस टू, ये टू इंटू वन कितना आएगा बच्चों इसको छुपा लो सेकेंड रो को, पहला वाला कॉलम टू इंटू वन टू ए टू टू बच्चों इसको छुपा लो, वन इंटू वन वन माइनस जीरो दैट इज ए टू थ्री बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस वन, थ्री वन में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस चार, यहां बच्चों इसको छुपा लोगे माइनस टू, इसको छुपा लोगे माइनस वन और प्लस का फोर, माइनस वन प्लस फोर बच्चों कितना हो जाएगा थ्री। साइन किसके चेंज होंगे बच्चों, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका चेंज होगा और इसका चेंज होगा, यही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चुपके से लिखना चाहूँ एडजॉइंट ऑफ ए तो वो क्या होगा भाई माइनस थ्री टू टू माइनस टू वन वन और माइनस फोर एंड टू एंड थ्री, यही होगा। अब अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसका इन्वर्स निकाल देंगे भाई, हटा दो इसको, इसमें कोई डाउट किसी को, तो भाई मेरे पास जो इनवर्स आएगा वो आएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ वन कितना आया था वन आया था और ये कितना है भाई मेरे पास थ्री माइनस थ्री टू टू माइनस टू वन वन माइनस फाइव फोर टू एंड थ्री, ठीक है भाई। आप लोग क्या करोगे यहाँ तक कर लोगे पहला स्टेप पूरा पूरा ये, उसके बाद इक्वेशन पे आओगे, इक्वेशन देखा आप लोगों को ट्रांसपोज दिया गया तो आप क्या करोगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो आपको पता है ये दोनों तो मिलकर क्या बना देंगे आई इंटू एक्स बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा आई इंटू एक्स बच्चों एक्स हो जाएगा और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी भाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर किसके होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इनटू बी, तो आप क्या करोगे भाई यहां पर एक्स बराबर ए इनवर्स बच्चों ये निकल गया था ये लिखोगे यहां पर इसका ट्रांसपोज करोगे इनटू बी, बी मैट्रिक्स क्या है बच्चों टेन एट और सेवन। अब लास्ट स्टेप ये है इसका ट्रांसपोज करके इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, बस ये था आपको ए मैट्रिक्स कुछ और दी गई जब सॉल्व करने का इक्वेशन तो वो ए नहीं थी वो इसका ट्रांसपोज थी, ठीक है। तो भाई लास्ट स्टेप भी कर देते हैं फटाफट और इस क्वेश्चन को यहीं पे क्या कर देते हैं समाप्त, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा भाई यहाँ पर आप देखोगे एक्स मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर टू वन एंड टू टू वन एंड थ्री, ठीक है। और ये कितना था बच्चों टेन एट और सेवन, ये जो प्रॉपर्टी है ना एट इनवर्स का ट्रांसपोज एट ट्रांसपोज का इनवर्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो माइनस थ्री इंटू दस माइनस का तीस, दो इंटू आठ बच्चों सोलह, दो इंटू सात चौदह, माइनस दो इंटू दस माइनस का बीस प्लस का आठ प्लस का सात, इसको करोगे माइनस का चालीस प्लस का सोलह प्लस का इक्कीस, तो जब आपने इसको सॉल्व किया सोलह और चौदह कितना हो जाएंगे बच्चों तीस, तीस और माइनस तीस
20 में से आ गए माइनस 12 प्लस 7 बच्चों माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा 14 और 21 और ये कितना हो जाएगा 37, ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 3। तो भाई यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप लोगों की मैट्रिक्स थी बच्चों एक्स वाई जी और ये बच्चों कितना है 0 माइनस 5 माइनस का 3। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा एक्स बराबर 0 वाई बराबर माइनस 5 एंड जेड बराबर बच्चों माइनस का 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। और आपकी क्वेश्चन जो थी वहाँ भी आप पुट करके चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर आया है वो सही है कि नहीं, और ये आंसर बिल्कुल हमारा क्या है सही, ठीक है भाई। तो एक तरीके से जो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करवा दिए और इसमें आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी कवर हो गए हैं जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट जो रह गया वो बर्डन बस वही है कि आप लोग अपने जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे सही है उनको आप क्वेश्चन बनाना सीख लो और उनको सॉल्व करना क्या कर लें सीख लें आप, ठीक है। क्वेश्चन बन जानी फिर तो कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने पिछला पढ़ा था वही वाला यूज होना है सब कुछ। तो बस यही है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।